नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा लेसन है कशेरुकीय जंतुओं का वर्गीकरण। वर्ग टॉपिक है वर्ग रेप्टिलिया के लक्षण। वर्ग रेप्टिलिया के जो जंतु होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वह वास्तविक रूप से जो है स्थलीय होते हैं, स्थलीय जंतु होते हैं, परंतु कुछ जंतु जल में भी पाए जाते हैं। ये प्राणी नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्राणी जो होते हैं रेंगकर चलने वाले तथा कुछ बिल में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट इनका शरीर जो होता है चार भागों में विभेदित होता है, सिर, धड़, ग्रीवा तथा पूंछ में विभेदित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके पाद जो होते हैं वो दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं, इनमें दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं और प्रत्येक पाद में पांच अंगुलियां होती है। इनपे तेज तथा नुकीले नखर होते हैं। नेक्स्ट है त्वचा। त्वचा जो होती है इनकी खुरदरी होती है, ग्रंथिल होती है तथा इनपे जो है संगीत शल्को, इनके जो बाह्य कंकाल होता है वो शल्को से निर्मित होता है, इनपे शल्क उपस्थित होते हैं, इस प्रकार से इनपे शल्क उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट बाह्य कंकाल पर तो इनपे शल्क होते हैं, ग्रंथिल होती है, खुरदरी होती है, लेकिन अंतर कंकाल जो होता है वो अस्थियों का बना होता है, इनमें बोन्स होती है, अंतर कंकाल अस्थियों का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका शरीर का रंग। ये जो प्राणी होते हैं, कुछ प्राणी शरीर का रंग परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, रंग बदलते हैं। नेक्स्ट है इनकी करोटी। करोटी में एक ऑक्सीपिटल केंद्र होता है, करोटी जो होती है इनमें, इसमें एक ऑक्सीपिटल केंद्र उपस्थित होता है। मुंह में सुविकसित दांत जो होते हैं, सुविकसित युक्त दांत पाए जाते हैं, जबड़े जो होते हैं इनमें सुविकसित दांत उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट वक्ष, वास्तविक स्टर्नम। वक्ष में जो है इनकी वक्ष गुहा जो होती है, वक्ष गुहा में वास्तविक स्टर्नम तथा पसलियां पाई जाती है। नेक्स्ट होता है हृदय। इनका जो हृदय होता है वो चार, हृदय में चार कक्ष होते हैं, दो स्पष्ट रूप से आलिंद होते हैं तथा नीलय जो होता है स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं होता है। जैसे मगरमच्छ और घड़ियाल जो होता है, इनमें नीलय जो होता है वो स्पष्ट रूप से विभाजित होते हैं। नेक्स्ट इनकी आरबीसी उभयतल प्रकार की होती है, अंडाकार होती है और केंद्रक युक्त होती है। आरबीसी में केंद्रक होता है, केंद्रक उपस्थित होता है और इसकी आकृति जो होती है वो अंडाकार होती है तथा उभयतल प्रकार की होती है। नेक्स्ट मस्तिष्क। नेक्स्ट पॉइंट है मस्तिष्क। इसमें मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट ये प्राणी असमतापी होते हैं, अर्थात शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं। ये शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं, असमतापी प्राणी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्सर्जन। उत्सर्जन जब होता है तो उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन होता है वो वृक्क के द्वारा होता है और ये वृक्क मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो जंतु होते हैं एक लिंगी प्राणी होते हैं। ये जंतु एक लिंगी प्राणी होते हैं तथा इनमें नर में एक मैथुनांग पाया जाता है। नेक्स्ट है अंडयुजी प्राणी, मतलब ये जो प्राणी होते हैं अंडयुजी प्राणी होते हैं। नेक्स्ट है निषेचन। इनमें जो फर्टिलाइजेशन जो पाया जाता है, निषेचन जो होता है वो बाह्य न होकर आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट जरायुजी प्राणी होते हैं तथा ये अंडे देते हैं और अंडे जो होते हैं इनके बहुत बड़े होते हैं तथा अति पित्तकीय होते हैं। इनमें अंडों का आकार जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और इनमें पित्तक की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए इन्हें अति पित्तकीय कहा जाता है। नेक्स्ट इनके जो अंडे होते हैं वो कैल्शियम युक्त कठोर कवच पाया जाता है। इनके ऊपर एक कठोर कवच पाया जाता है और वो कैल्शियम युक्त होता है, कैल्शियम का बना होता है। विकसित भ्रूण। इनमें जो भ्रूण विकसित होता है, शिशु जब भ्रूण जो होता है वो एमनियोन तथा एलेंटाइस कैरियोन पित्तक कोष द्वारा घिरा होता है। भ्रूण के चारों ओर ये जो है इसके द्वारा भ्रूण चारों ओर से घिरा रहता है। नेक्स्ट इसमें परिवर्तन जो होता है अप्रत्यक्ष न होकर प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, डायरेक्ट प्रकार, इनडायरेक्ट का नहीं होकर डायरेक्ट प्रकार का होता है। परिवर्तन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है।